Welcome friends in my YouTube channels. In previous video we described about the air pollutions, what is the causes of air pollutions and what is the effect and how can we control the air pollutions? Today we discuss our next pollution that is the noise pollutions. noise pollution that is also included in the air pollutions. According to the AIR Act 1981 was amended in 1987 to include noise as an air pollutants. Okay. And you know about them, the noise pollution is very harmful for the living organisms. That is clear. So, what is the noise pollution? noise is undesirable high level of sound and noise pollution is defined as unwanted sound which is released into the environment and disturbs the physiological and psychological well-being of human beings okay फिजियोलॉजिकल एज वेल एज द साइकोलॉजिकल ह्यूमन बींग्स जो अफेक्ट डिस्टर्ब करता है साउंड दिस इज नोन एज द नॉइज पोल्यूशन सो वाट इज द काज ऑफ नॉइज पॉल्यूशंस इसकी कॉजेज क्या है किसके थ्रू ये नॉइज पोल्यूशन होता है तो फर्स्ट वन इज जेट प्लेन और रॉकेट टेक ऑफ जब जेड प्लान या रॉकेट टेक ऑफ लेता है द साउंड लेवल इज वन फिफ्टी डेसीबल इसकी साउंड लेवल वन फिफ्टी डेसीबल होता है दैट इज ऑल्सो कॉज द नॉइज़ पोल्यूशंस नेक्स्ट यूज ऑफ लाउड स्पीकर एंड म्यूजिक सिस्टम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ठीक है लॉन्गर ड्यूरेशन या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यादि कंटिन्यू लाउड स्पीकर या म्यूजिक सिस्टम बज रहे हैं दैट इज ऑल्सो कॉज द नॉइज पोलूशंस ट्रैफिक नोइज इंडस्ट्रियल एंड फैक्ट्रीज नॉइज सम नॉइज दैट इज प्रोड्यूस बाय द ट्रैफिक ट्रैफिक जहाँ होता है जाम होता है वहाँ पर हमेशा नॉइज मतलब साउंड वहाँ बहुत ज़्यादा व्हीकल्स की होती है इंडस्ट्रीज़ कुछ इंडस्ट्री इस तरह के जिसके थ्रू थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्स नॉइज पोल्यूशन एज व फैक्ट्री इन वॉइस समल्सो रिलीज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड ठीक है दिस इज द डायरेक्टली अफेक्ट आवर इयर ड्रम जो ह्यूमन बींग्स का इयर ड्रम है उसको जाकर बिल्कुल अफेक्ट करता है जिसके कारण बहरा पन भी हो सकता है मीन्स इयर ड्रम टर से भी हो जाए बहुत ज़्यादा साउंड इका करने से तो हमें सुनाई फिन नहीं देगार

सेकेंड साउंड लेवल हायर देन वन फिफ्टी डेसिबल और मोर मे डैमेज इयर ड्रम दस परमानेंटली इम्पेयरिंग हियरिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूम यदि साउंड लेवल वन फिफ्टी डेसीबल से ज़्यादा है यस ये इंपॉर्टेंट है डी बी डी बी क्या है दिस इज द डेसिबल दिस इज द यूनिट दैट इज मेजर ऑफ द साउंड ठीक है तो यदि दिस इज द मोर देन वन फिफ्टी डेस्टल साउंड यदि प्रोड्यूस हो रहा है दे डैमेज एयर ड्रम ये क्या करते हैं हमारे इयर ड्रम को डैमेज कर सकता है एंड दस परमानेंटली इम्पेयरिंग हेरिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन, और यह भी हो सकता है कि वह सुनने की जो क्षमता है बिल्कुल उसके शरीर से ख़त्म हो जाए क्यों क्योंकि इयर ड्रम यदि फंक्शन नहीं करेगा तो वो मैसेज ट्रांसफर ब्रेन को नहीं होगा जिससे हमको कुछ सुनाई नहीं देगा दैट इज क्लियर स्लीपलेसनेस एंड इंक्रीज हार्ट बीट नॉर्मली यू सी यदि आपके आस पड़ोस में यदि मैरिड सीजन चल रहा है ठीक है इस समय शादियाँ ब्याह होती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है ठीक है डिजीज जो लगाते हैं तो उसके थ्रू यदि आप वो आप हैं और आप सोना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में आप सो नहीं पाएंगे इतना साउंड प्रोड्यूशन के कारण ठीक है एंड उसके कारण हार्ट बीट भी बढ़ जाती है ठीक है यदि साउंड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो हार्ट बीट भी इंक्रीजेस मीन दैट इज आल्सो अफेक्ट द हार्ट अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न एंड स्ट्रेस ब्रीथिंग सिस्टम को अफेक्ट करता है एज वेल एज द स्ट्रेस बॉडी में स्ट्रेस कंडीशन प्रोवाइड करता है ओके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर साइकोलॉजिकली वो डिसऑर्डर होता है तो वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता ठीक है सोचने की क्षमता जो होती है उसकी कम हो जाती है सो दिस इज द सम इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन दट इज आकर्स ओके okay. इसके अलावा भी सम कॉजेज हैं जैसे व्हीकल्स हैं ट्रेन हैं ठीक है ड्यूरिंग द इलेक्शन जो लाउड स्पीकर के थ्रू कंटिन्यू जो वॉयस किया था दैट इज आल्सो अफेक्ट द आवर हेल्थ सो हाउ कैन वी कंट्रोल द मीजर ऑफ नॉइज पोल्यूशन हाउ कैन वी कंट्रोल लाइक यू सी ड्यूरिंग द इलेक्शंस यू इस तरह के सब लगाए जाते हैं लाउड स्पीकर जिसके कारण बहुत ज़्यादा ध्वनी प्रोड्यूस होती है एंड दैट इज ऑल्स अफेक्ट फॉर द ह्यूमन लाइफ स्टाइल्स मीन्स हार्ट बीट हार्ट डिजीज भी हो सकता है ठीक है सुनने की क्षमता कम हो सकती है दैट इज़ क्लियर सो हाउ कैन वी कंट्रोल देम हाउ कैन दे मेजर देम फर्स्ट यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्मेंट मटेरियल इन बिल्डिंग्स इस तरह का मटेरियल यूज करिए अपने बिल्डिंग में जब बनाते हैं तो कि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले दैट इज क्लियर सेकेंड बाई मफलिंग नोइज़ दैट इज द सप्रेसिंग नोइज़ इट कैन बी डन बाई प्लांटिंग मोर ट्रीज मफलिंग नॉइज नॉइज को कई भाग में डिवाइड कर तोड़ देना ठीक है और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्लांटिंग करना ट्री लगाना जैसे नॉर्मली यू से जो हाईवे बनते हैं उसको दोनों साइड ट्री प्लांट क्यों लगाए जाते हैं इसी के लिए जो साउंड प्रोड्यूस होता है व्हीकल के द्वारा उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं कई भाग में तोड़ देते हैं ठीक है उसके लिप पर जब लगता है तो लिप मूवमेंट करता है जिससे वो साउंड डिवाइडेड मतलब कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है और बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं सुनाया जाता है दैट इज़ क्लियर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल यदि आप घर में हैं आपके विंडो के सामने यदि कोई ट्री है ठीक है वहाँ आप म्यूजिक बजा दीजिए ठीक है लाउड पूरा लाउड स्पीकर के साथ तो नॉर्मली उससे जो लीफ होती है प्लांट की वो मूवमेंट करने लगती है जब साउंड पर लगता है तो मूवमेंट करता है जिससे उसके जो पाथ है साउंड जो जा रहा है उसको डाइवर्ट कर देते हैं ठीक है ठीके? तो इसलिए ध्वनि बहुत ज्यादा दूर तक नहीं सुनाई जाती क्लियर द प्लांटिंग दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंट फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन एज वेल एज द एयर पोल्यूशन दैट इज क्लियर नेक्स्ट वन इज द क्रिएटिंग हॉर्नफेक्स जोन्स एंड अराउंड हॉस्पिटल एंड स्कूल जहाँ हॉस्पिटल और स्कूल है वहाँ पूर्ण रूप से बैंड होना चाहिए नॉइस पोलूशन के लिए ठीक है नेक्स्ट वन स्टिकिंग टू द परमिशल साउंड लेवल ऑफ क्रैकर एंड लाउड स्पीकर ठीक है कुछ पर्टिकुलर एरिया में स्टिकिंग एंड परमिशल होना चाहिए साउंड लेवल इस तरह क्या करें या लाउड स्पीकर जो यूज़ कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वो साउंड प्रोड्यूस न करें नेक्स्ट वन फिक्सिंग द टाइम पर प्लेइंग लाउड स्पीकर यदि कहीं जैसे मंदिर है मस्जिद है वहाँ पर फिक्स किया जाना चाहिए कि इतने टाइम पर ही केवल बचेगा मतलब वो लाउड या साउंड प्रोड्यूस किया जाएगा ठीक है वॉइस रिलीज़ किया जाएगा कंटिन्यू नहीं बचना चाहिए ठीक है देयर इज़ सम ड्यूरेशन दैट इज़ गिवन देम नेक्स्ट वन साइलेंस ऑफ फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्सेट्रा साइलेंसिंग यूज किया जाता है इसमें साइलेंसर यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल में भी यूज़ किया जाता है जिससे ध्वनि प्रोड्यूस नहीं होती एज वेल एज इज ऑल्सो यूज इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री में जहाँ साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ भी साइलेंसर का यूज किया जाना चाहिए दैट इज क्लियर सो दिस इज सम मेजर्स control of noise pollutions okay i hope that all of you clear from this topic noise pollutions if you like them share and subscribe thanks for watching the videos